यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द फ्री फायर टिप्स एंड ट्रिक वीडियो। तो गाइस, आपको पता है कि गेम में एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जो अपनी सेटिंग जो अपने गेम में अपलोड कर सकते हो। गाइस, जो भी आपके आईडी लॉगिन करो उसके अंदर वो सेटिंग आ जाएगी। और इसके आपको पता है कि वीकली में जब आप वीकली लॉगिन करो तो आपको एक चीज़ और मिलती है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। गाइस, इसका पता है क्या यूज़ होता है? तो गाइस, इस वीडियो में से बहुत सारे मिथ्स बताने वाला हूँ आपको। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और गाइस, उससे पहले जिसने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो नंबर मैंने पहले टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। तो गाइस, पहले जो आपको पता है कि हमारे गेम में जो एक चीज़ होती है जैसे आप अपनी सेटिंग्स खोलें, यहाँ पे मिलता है आपको सेटिंग सिंक अपलोड और डाउनलोड। तो गाइस, ये होता ये जैसे मैंने आप जो मेरी सेटिंग जो आप मेरी कस्टम एचयूडी देखो एक बारी, ये मेरी कस्टम एचयूडी है जो मैंने बना रखी है। तो अभी मेरी कस्टम एचयूडी देख सकते हो, ये रही कुछ इस टाइप की मेरी कस्टम एचयूडी। अब मैं करूँगा क्या, मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी जो है, मेरी जो एचयूडी है, जब भी मैं अपने गेम में, कभी बार होता है कि आपका गेम जो कुछ गलती डाउनलोड हो जाता है या फिर कोई सेटिंग में चेंज करता है, तो वो करना क्या, आपको इसको जाके यहाँ पे आके इसको कर देना अपलोड। जैसे मैं यहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगा, तो मत समझ लो जैसे मेरी सेंसिटिविटी है ना, जैसे मेरी सेटिंग है, तो ये जो पूरी अपलोड हो चुकी है मेरी इसके अंदर। अब कहते मैं इसको कितने भी चेंज कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ चेंज करके। मैं आपको यहाँ पे कस्टम एचयूडी भी चेंज कर देता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ, सबको मैंने इधर उधर कर दिया। अब देखो, ओके देखो, मैंने सबको ये अलग अलग पूरे इधर उधर कर दिया। अब गाइस, मैंने इसको सेव भी कर दिया। अब देखो, अब आपको जादू देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे कर लूँगा डाउनलोड पे गिला, पहले मैंने यहाँ पे देख लो कस्टम एचयूडी। देखो, मैंने सब चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। देखो, डाउनलोड पे क्लिक करा, डाउनलोड सक्सेसफुल। और देखो, वहाँ पे सब जो पहले जैसा हो गया। अब मैं कस्टम एचयूडी भी दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे कोई कट नहीं करा। तो गाइस, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। समझ लो आपकी कोई आईडी में छेड़छाड़ करता है, फिर आपकी आईडी में दो तीन बंदे खेलते हैं, तो आपको जो अपनी कस्टम एचयूडी आप हमेशा अपलोड करके रखना। जब भी आपकी कोई आईडी लॉगिन करेगा, वो जो है सीधे इसको डाउनलोड कर लेगा अपनी आईडी के अंदर। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो गाइस, आई होप आपको वाली जो टिप्स एंड ट्रिक पता लग गई होगी, आपके यूजफुल है या नहीं है, गाइस ये भी कमेंट कर जरूर बताना। और गाइस, चलो भाई, मैं बल अपने सेकंड टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। तो गाइस, आपको पता है जब भी कोई बंदा अगर वीकली या फिर मंथली लेता है, उसको कहते हैं 100 डायमंड प्लस एक चीज़ और मिलती है जिसकी वजह से सेकंड चांस। तो आपको पता है इसका यूज़ क्या होता है? तो गाइस, आप जब वीकली रहते हो यार, आपको एक मिलता है सेकंड चांस। तो गाइस, इसका यूज़ क्या होता है समझ लो, जैसे आप जो 100 डायमंड मिलते हैं और आपको डेली 50 डायमंड मिलते हैं वीकली में, या फिर आप जो मंथली का भी एग्जांपल आपको दूंगा मैं, ये समझ लो 50 डायमंड मिलते हैं। आप देखो, क्लेम का ऑप्शन आता है जो हम डेली इसको क्लेम कर लेते हैं। ओके, तो गाइस, जब आप इसको क्लेम कर लेते हो, समझ लो आपका किस दिन अगर छूट गया, अगर आपका छूट गया किसी दिन 50 डायमंड क्लेम करना, तो क्या होता है? तो 50 डायमंड में आप क्लेम करना छूट जाता है, आपको यहाँ पे नीचे आता है व्यू ऑल का ऑप्शन। जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलता है ऊपर ये ऑन सेकंड चांस। दो मेरे पास हैं इस टाइम पे, मेरे पास दो हैं ये। तो इसका यूज़ क्या होता है, जब भी आपको कोई पिछला छूट जाता है, तो क्लेम कर रखे मैंने सारे यहाँ पे जो है, इसका यूज़ करके हम जो उसको पिछले टाइम को क्लेम कर सकते हैं, जब भी आप पे कोई पिछले टाइम छूट जाते हैं। ओके, तो कहते हैं आप समझ गए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यार कमेंट करो यार, कमेंट सेक्शन किस लिए, अगर आपको कुछ भी परेशानी हो तो यार कमेंट करो मुझे, या फिर आप जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। ओके, तो बढ़ते हैं थर्ड टिप्स एंड ट्रिक की तरफ। तो गाइस, थर्ड टिप्स एंड ट्रिक यार, मान लो गाइस कि आपने जो अभी अल्पाइन मैप खेला स्क्वाड में, और आपको भाई स्क्वाड में खेलो सोलो में खेलो आप मर गए, आपको अच्छा नहीं पसंद नहीं आ रहा, आप चाहते हो गाइस अपने आपके अगले मैच में अल्पाइन मैप आए नहीं, भाई कभी भी नहीं आया आपके मैप में मैच में, तो गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पे आना आपको सिंपली यहाँ पे बर्मुडा स्क्वाड जो है बीआर रैंक, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, क्लिक टिक का ऑप्शन आपको उसको अनसेलेक्ट करना, उसको कन्फर्म कर देना। आप कितना भी रैंक मैच खेलो, आपका अल्पाइन मैप कभी भी नहीं आएगा। तो कहते हमारे जो फोर्थ टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, ये है कि आपके समझ लो आप गेम खेलते हो, आपको गेम में नेटवर्क नहीं आते, वो करना क्या, आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्राउजर और क्लियर कैच कर देना है। जब भी आपको क्लियर कैच होगा, आपको जो बेकार जो बैकग्राउंड में चल रहा होगा उल्टा सीधा, जो भी इसमें उल्टा सीधा होगा, या फिर आप जो है नेटवर्क की सेंड रिपोर्ट भी कर सकते हो। और चैट ब्लॉक लिस्ट ये तो बेकार है। और आपको जो यहाँ पर आना बेसिक में ही, बेसिक में आपको आना नोटिफिकेशन में, आपको जो स्ट्रेंजर का बहुत इन्विटेशन भेजते हैं, आप चाहते हो सिर्फ आप जो फ्रेंड ही आपको फ्रेंड की आपको जो इनविटेशन आए और किसी का इनविटेशन ना, तब जो है स्ट्रेंजर इनवाइट्स को रिजेक्ट कर सकते हो, या फिर आप चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकते हो। आप जो बुकिंग आती है, जो बुकिंग एप्लीकेशन होती है मैप में आती है, तो आपको दिखाता हूँ मैं, आपकी जो बुकिंग एप्लीकेशन होती है जो आपको देखते हो, जो आपको बुक करता है, जैसे ये है जो है, ये होती है आपकी बुकिंग एप्लीकेशन, ये जो होती है बुकिंग एप्लीकेशन होती है जहाँ पे आपको जो बंदे बुक करते हैं। तो आप चाहे तो आप चाहते हो यार आप जब गेम खेलो तो आपको कोई बुक ना करे, बार बार बंदों के आते हैं बुक करते रहते हैं बंदे आपको, तो आप परेशान हो जाते हैं उनको रिजेक्ट करते हुए, रिजेक्ट करते हैं बार बार। आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाओ, पहले मैं इसको सेट तो कर लूँ। ओके, सेट करने की ज़रूरत क्या भाई हमें, टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो किस लिए बना रहा हूँ मैं, मैंने उसको बिगाड़ा, मैं कर लूँगा दोबारा डाउनलोड। ये सही,
आप चाहते हो कि आपके पास बहुत बंदे आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं बार बार आपके गेम के अंदर, आप गेम में परेशान हो जाते हो, आपको करना क्या, यहाँ पे आना है आपको, बुकिंग एप्लीकेशन करना है रिजेक्ट। तो जैसे मैंने आप रिजेक्ट कर रखा, मैं एक्सेप्ट करूँगा, आपकी रिक्वेस्ट आने लग जाएगी गेम के अंदर, वो कर देना रिजेक्ट। बस वर्तमान नेक्स्ट सीजन की तरफ दो, आप भी परेशान हो कि आपको जो है कलहरी मैप डाउनलोड, आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम पैक डाउनलोड, आपका बहुत ज़्यादा डाटा डाउनलोड है गेम के अंदर, आपका गेम हैंग होता है, लैग होता है, तो बग होता है उसमें गेम में, आपको उसे कैसे फिक्स करना। आपको सबसे पहले जाना अपनी सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर आपको मिलेगा मेन मेन्यू एंट्रेंस को हाइट पर होगा, या आपको इसको कर देना शो पे। जैसे आप शो पे क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे देखते हो यहाँ पे ये आ जाएगा। इससे आपको करना क्या, जो भी आपको जब कुछ ज़्यादा गेम ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है, कुछ ज़्यादा आपका गेम में डाटा भर हुआ, आपको यहाँ से जो चाहे वो डिलीट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे बर्मुडा रिमास्टर नहीं खेला, मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ। फिर आप चाहे तो अपना कॉस्ट्यूम पैक डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हो एक नया मैप डाउनलोड हो चुका है, स्टोन स्केप, जो मैं खेलता नहीं तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, बेकार पड़ा था। मेरे पास यहाँ पे जो पैट पैक जो है 27 MB का, भाई पैट कौन रखता है भाई, इतना महंगा भाई, फालतू में भाई इतना डाटा भरा है फोन के अंदर। वैसे ही मेरा पैट जो पूरा कंप्लीट डाउनलोड पड़ा हुआ था, मैं जरूरत नहीं आया पैट पैक की, बस जो अपने पैट का जो है रिमोट डाउनलोड कर लूँगा 0.49 MB का। तो गाइस हमारे जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक है, अगर आप जो बिगिनर हो, आपके पास बिल्कुल नया नया आपने गेम शुरू करा था खेलना, वो करना क्या है भाई, आपको जो शुरुआत में जैसे यहाँ पे जो मैप मैच आया है, तो गाइस यहाँ पे तो प्लेन में बंदे गिरे जा रहे हैं, आपको शुरुआत में स्टार्टिंग जो प्लेस है, जैसे यहाँ पे जैसे तो स्टार्टिंग प्लेस थी ऑब्जर्वेटरी, हंगर, क्लॉक टावर, रिमनाम, ग्रेवयार्ड, आपको जो इन जगहों पर नहीं गिना, आपको जो थोड़ी आगे आगे गिना, जैसे यहाँ पे गिर जाओ मिल में, काटाटुआ में, पीक में, कैप टाउन में, सांटोसा में, कैराटोन में, आपको ऐसी जगह पर गिरना थोड़ी दूर, जो आपके मैप से थोड़ी दूर हो। तो गाइस हमारे जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक है वो यही है, देखो जैसे आपको पता है यहाँ पे देखते हो पीक में होती है ये क्रेट, जिसको कहते हैं पता नहीं रिसोर्स पैक, रिसोर्स क्रेट नाम से होता है ये, कुछ रिसोर्स क्रेट नाम से होती है, पीक में होती है, मिल में होती है, पता होगा आप हमारे गेम में आए कि रिसोर्स क्रेट या फिर पता नहीं क्या नाम है इस क्रेट का, जो पेटी वेटी होती है कैसे, इसको मैं पेटी कहता हूँ वैसे तो। तो अगर आपको जब भी आप गिरो तो कैसे थोड़ा दूर गिरा करो, अगर मैं 90% ज़्यादा होती है, मैं मुझे कितनी हाई लूट मिल गया, मैं चाहे तो हर किसी को यहाँ से मार सकता हूँ, तो बंदे भाग रहे हैं, ये देखो मैंने भाई ऐसे मार दिए बंदे होगा, इसमें 90% चांसेस आपके पास भाई आपको बहुत ओपी लूट मिल सके भाई, बहुत जल्दी इसमें लूट मिल जाती है। और देखो भाई मेरे लॉन्ग रेंज की भी गन मिल गई, शॉर्ट रेंज का भाई मैं किसी भी फाइट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे ग्लूवॉल तक की मिल गई भाई, इतनी ज़्यादा एडवांटेज होती है आपको। अगर गिरो तो आप जो या फिर जो फैल को लेकर सबसे पहले गिरो इस क्रेट के पास, या फिर अगर देर से गिरो तो होगा यहाँ से जो इस क्रेट से थोड़ी दूरी गिरना, क्योंकि यार बंदों को यहाँ पे लूट मिल जाती है बहुत जल्दी। देखो भाई ब्रश करेगा ये, आ जा भाई आ जा, तेरा इंतजार था मुझे, ये देखो ऊपर चढ़ गया भाई, ऊपर चढ़ गया, देखो दो दो बंदे ऊपर भी, इनका बताता हूँ रुक जाओ। इसमें ओम पड़ चुकी है। तो गाइस आपको पता होगा हमारे गेम में एक चीज़ आ चुकी है स्काई विंग। तो गाइस आपको बहुत सारे बंदे इसको बेकार चीज़ समझते हैं, पर गाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपके, जब आप प्लेन से गिरते हो समझ लो, आपको जो कोई बंदा आपसे पहले गिर गया, आपको जब आपको पैराशूट लेके आप गिर रहा हो तो उस टाइम आपको किसी ने हेडशॉट मार दिया, तो गाइस इसमें ये होता ही है कि इससे जो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं आपके हेडशॉट पड़ने के, आप जो आराम से इसमें से स्काई डाइव की जगह इसका यूज़ करके आप जो गिर सकते हो, इसमें जो चांसेस आते हैं कि आपको जो है बहुत कम हेडशॉट पड़ेगा इसके अंदर। तो ये जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है भाई, बहुत ज़्यादा बंदे इसको बेकार समझते हैं, पर यूज़फुल एक बंदों ने गेम वालों ने इसे किसी काम के लिए भेजा है, तो आप जो है उसको समझ गएंगे इसका यूज़ किस लिए होता है। जैसे मैं आपको बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं क्या करूं, आपको कुछ बात बात करनी हो किसी से, आपको करना क्या है इसको आके एक्सेप्ट रिजेक्ट करना, मैं आराम से आपके लिए वीडियो बना देता हूं। और मुझे एक भी रिक्वेस्ट नहीं आएगी, यहाँ पर जो मेरा प्राइवेट रूम बन चुका है, एक प्राइवेट स्पॉट बन चुकी है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा था यहाँ पे जो स्काइविंग है यार गेम में जो इसलिए गेम वालों ने भेजा है, ताकि आपको जो आप प्लेन से गिर तो आप बहुत जल्दी कोई बंदा आपसे पहले कोई बंदा गिर गया तो वो जो है आपको हेडशॉट मार सकता है, जब आप पैराशूट ले गिर रहा हो लैंड कर रहा हो, तो गाइस उस टाइम पे आप इसका अगर आपके पास ये होगा तो उसका आपको हेडशॉट पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं आपके। तो गाइस जैसे कि आपसे भी पता है हमारे गेम में स्नाइपर्स हैं, तो गाइस बहुत सारे बंदे यार स्नाइपर को अवॉइड करते हैं यूज़ करने से, कि यार उनका पता है कहते हैं कि स्नाइपर की डैमेज कम है, ये कम है, वो कम है, स्कोपिंग करके फायर करना पड़ता है। पर अगर स्नाइपर से है कि भाई बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, एक चीज़ है इससे ये भी फायदा होता है कि जब आप इससे फायर करते हो, ज़्यादातर बंदे फायर करते हैं स्कोपिंग करके फायर करते हैं, जैसे मैं आप स्कोपिंग करके फायर कर रहा हूँ, हेड पे एम लगा रहा हूँ, हेड पे लग नहीं था, तो अगर जब जैसे मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे जब देखो मैंने हेड पे मारा, और स्कोप स्नाइपर से होता है ये कि जब आप इससे फायर करते हो स्कोपिंग करके करते हो, इससे जो आपका इन स्कोप जो है आपकी जो प्रैक्टिस हो जाती है बहुत अच्छी, जैसे कि मैं यहाँ पे स्कोपिंग करके फायर करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा इस पर ड्रैग मारने की, अगर आपको जो इन स्कोप आपकी जो है डैमेज जो इंक्रीज हो जाएगा, आप जो ज़्यादा बंदे को गोलियाँ मार पाओगे इन स्कोप में, तो अगर स्नाइपर से ये फायदा होता है कि आपको जो है नॉर्मल आप जो नॉर्मल कोई गन यूज़ करते हैं, आप उससे कोई स्कोपिंग करके फायर करोगे तो आपको जो चांसेस ज़्यादा, आप जो है उसके बंदे के बॉडी के ऊपर गन की एमओ को जो है आप
सेटल कर पाओ, आता उसके बंदे को डैमेज मार पाओगे स्नाइपर से, ये फायदा हो जाता है आपको, बहुत ज़्यादा यूज़फुल लेते हैं स्नाइपर भी अगर आपको इससे प्रैक्टिस है तो। गाइस जिस बंदे का आप देखना आप गेम में ऑब्जर्व कर पाओगे, तो गाइस आपने गेम में भी ऑब्जर्व करा होगा जो बंदे स्नाइपर बहुत अच्छे चलाते हैं, स्नाइपर से गाइस जो स्कोपिंग करके बहुत अच्छी डैमेज मार पाते हैं, बहुत अच्छा बंदों के ऊपर क्या कहते हैं एम ले जाते हैं गाइस, उनके आप देखना जब आप वो बंदा को स्कोपिंग करके फायर करता है उनकी जो फायर करने भाई डैमेज जो बहुत है उनकी हेड पर रहती है, वो ज़्यादातर जो हेड ही मारते हैं जब स्कोपिंग करके वो फायर करते हैं। तो अगर आप जो ऑब्जर्व जरूर करना, अगर आप हमसे क्या बात को ऑब्जर्व नहीं करा तो गाइस, तो अगर आज की उम्मीद नहीं आए पाओ अपनी वीडियो को एंजॉय करोगा, तो अगर आपके पास कोई से अगर आज मैं सोच रहा हूँ मिथ बस की वीडियो बना, अगर आपके कोई मिथ है तो गाइस वो ज़रूर कमेंट करना मुझे कमेंट बॉक्स में, और गाइस अगर आपका मिथ मुझे अच्छा लगा तो मैं जो आपकी वीडियो में ज़रूर लूँगा आपके मिथ को। तो गाइस बस मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।